स्टूडेंट हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल यू आर फाइन. स्टूडेंट डू यू रिमेंबर वट आई टॉट यू इन माई प्रीवियस इंग्लिश ग्रामर वीडियो? आई टॉट यू अबाउट सेंटेंस एंड फ्रेज. टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 1. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 8. लेट सी पार्ट ए ऑफ वर्किंग जोन. राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद ए कैपिटल लेटर, अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमें इसमें क्या करना है, नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है. अगर कैपिटल लेटर आएगा, फुल स्टॉप लगाना है जब हमारा क्वेश्चन जो है वो या सेंटेंस पूरा हो जाएगा. अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क है अगर जहाँ पर ज़रूरी तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. आइए इसका पहला देखते हैं. लिव्ड इंडिया स्टीफन इन हैड हिज ओन लाइफ. अभी ये सारे क्या हुए हैं, ये वर्ड अभी हमारे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए हैं तो इनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम. स्टीफन हैड लिव्ड इन इंडिया ऑल हिज लाइफ. स्टीफन अपनी पूरी ज़िंदगी भारत में रहे थे. सेकेंड, प्लेड यस्टरडे वी टेनिस अ मैच आफ्टरनून. तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, वी प्लेड अ टेनिस मैच यस्टरडे आफ्टरनून. कल दोपहर को हमने टेनिस मैच खेला था. सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको बुक के अंदर ही अपने आप फील करने हैं. एंड बी पार्ट इज पुट एस इन द बॉक्स फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड डेट आर सेंटेंसेज एंड पी फॉर फ्रेजेज. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, छोटे छोटे आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, बॉक्स दिए हुए हैं तो इन बॉक्स में अगर हमारा जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है अगर वो सेंटेंस है तो उसके लिए हमें एस लिखना है और अगर हमारा फ्रेज है तो उसके लिए हमें उसके आगे पी लिखना है. जैसे इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने सॉल्व किया है. देखिए फर्स्ट है इन ए हरी, जल्दी में. ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये थोड़ा सा इसका हमें अर्थ समझ में आ रहा है तो ये क्या है हमारा फ्रेज है तो इसके लिए हमने यहाँ पर पी लिखा है. और सेंटेंस और फ्रेज की एक पहचान इस तरीके से आप और कर सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है यानी उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है. अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो उससे आप पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस है और अगर फुल स्टॉप नहीं है तो फ्रेज है. अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप नहीं है तो ये हमारा क्या था, फ्रेज. सेकंड, द ट्रेन केम लेट, ट्रेन जो है वो देर से आई. तो इसका मीनिंग हमारा पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है और इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है एंड लास्ट में हमारा क्या है, फुल स्टॉप है यहाँ पर तो ये हमारा सेंटेंस है, इसके लिए हमने एस लिखा है. थर्ड देखिए, डू एज यू विश, करिए जैसी आपकी मर्जी है या जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा करिए. तो ये इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है ना पूरा, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, इसके लिए हमने एस लिखा है. इसी तरीके से फोर्थ देखिए, आई एम बॉइलिंग मिल्क, मैं दूध उबाल रहा हूँ. तो ये पूरा मीनिंग इसका क्लियर हो रहा है, फर्स्ट वर्ड भी यहाँ पर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है. फिफ्थ देखिए, बी क्वाइट, चुप रहिए, इसमें भी लास्ट में हमारा फुल स्टॉप है और पूरा मीनिंग इसका हमें समझ में आ रहा है, चुप रहिए तो ये भी हमारा सेंटेंस है. आप सिमिलरली सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन ये आपको बुक के अंदर ही फिल करना है. आगे बॉक्स जो दी हूँ उसमें आपको अगर सेंटेंस है तो एस लिखना है और फ्रेज है तो उसके लिए हमें पी लिखना है. लेट सी पार्ट, रीराइट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग द कलर्ड फ्रेजेस इन द करेक्ट प्लेस. यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस को हमें दोबारा से लिखना है और फ्रेज जो है, जो कलर, ये रेड कलर में जो वर्ड आपके लिखे हुए हैं ये फ्रेज हैं तो इनको हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट प्लेस यानी सही जगह पर हमें उसको लगाना है. मैंने लेट सी पार्ट फर्स्ट, द मैन एट ए बर्गर विद डार्क ग्लासेस. डार्क ग्लासेस वाले यानी काले चश्मे वाले आदमी ने बर्गर खाया. ये विद डार्क ग्लासेस जो है ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा फ्रेज है तो इसको हमें सही जगह पर लिखना है. अब ये विद डार्क ग्लासेस ये किसके बारे में हमें बता रहा है,
ये मेन के बारे में बता रहा है, तो हमें इसके मेन के साथ रखना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको देखिए। द मैन विद डार्क ग्लासेस एट ए बर्गर, कि काले चश्मे वाले आदमी ने बर्गर खाया। अब ये वाला हमारा करेक्ट है। अब सेकंड देखिए, देयर आर इन द स्काई मैनी स्टार्स, ये रेड भी आपका क्या है, फ्रेज। इसको हमें करेक्ट प्लेस पे रखना है। तो मैनी स्टार्स कहाँ पर हैं, ये किसके बारे में हमें बताएंगे, ये स्काई के बारे में हमें बता रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, ये वाला हमारा ऐसे बनेगा सेकंड, कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं। अब इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको अपने आप बुक के अंदर ही फील करना है। थर्ड कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको एक बता देती हूँ। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर विथ ब्लैक स्पॉट्स, विथ ब्लैक स्पॉट्स जो है यानी काले धब्बे वाला जो मेंढक है वो पानी में जंप करता है यानी कूद गया। तो ये ब्लैक स्पॉट किसके बारे में बता रहे हैं, मैं फ्रॉग के बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम रखेंगे इसी के साथ। तो बनाएंगे इसको हम ऐसे, द फ्रॉग विद ब्लैक स्पॉट्स जंप्ड इनटू द वाटर। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ आप बुक में करेंगे। लेट्स सी डी पार्ट, पिक आउट द राइट फ्रेजेस फ्रॉम द क्लू बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर अब हमें एक क्लू बॉक्स दिया हुआ है, नीचे दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हमें फ्रेज दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ से हमें राइट फ्रेज जो उसको चूज़ करना है, और उसको फिर हमें यहाँ पर नीचे ब्लैंक्स दिए हुए आपके खाली जगह दिए, और वहाँ पर हमें उसको रखना है ताकि एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। लेट्स सी पार्ट फर्स्ट, द हॉर्स इज, घोड़ा है। अब इसको कंप्लीट करना है हमें, ऊपर वाले में बॉक्स में से देखना है कि कौन सा इसके साथ फिट हो रहा है, कौन सा इसका मतलब रखने पर हमारा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो ये फर्स्ट ये लिया है हमने, कैप्ट इन ए स्टेबल, कि घोड़ा जो है वो स्टेबल में रखा जाता है। सेकंड है ऑनेस्टी इज द, ईमानदारी है सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो इसके लिए कौन सा चूज़ करेंगे हम, सेकंड देखिए, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर मैंने क्लू बॉक्स में आपके नंबर डाल दिए सारे, तो इसी तक को यहाँ से वर्ड देखकर आपको थर्ड से लेकर इलेवन तक आपको खुद फिल करने हैं नंबर देख करके। पार्ट ई इज़ राइट सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, इनको हमें यूज़ करना है ताकि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। यानी ये वाला पार्ट हमारा फ्रेज जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो जाए। फर्स्ट है इसका देखिए, ऑन द रोड, सड़क पर। अब हम इसको किस तरीके से बनाएं, जो आपको सही लगता है इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बनाया, व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड। अब ये ऑन द रोड, इसमें हमारा फ्रेज जो है वो यूज़ हो गया, और यह कंप्लीट हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड, कि वाहन जो हैं वो सड़क पर दौड़ रहे हैं। सेकंड देखिए, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। अब इसका हम बना सकते हैं, रेन में स्टार्ट इन अ फ्यू आवर्स, कि बारिश जो है कुछ घंटों में शुरू हो सकती है। थर्ड है ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर। फेंस क्या होती है, फेंस जो है वो एक चार दीवारी बोल सकते हैं या बाड़ बोल सकते हैं, जैसे दीवार के चारों तरफ तारों की सी लगा देते हैं बाड़, उसको बोला यहाँ पर फेंस। तो इसका हमने बनाया, द काउ जंप्ड ओवर द फेंस, कि गाय जो है वो फेंस के ऊपर से जंप कर गई। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ आपको अपने आप करना है इसमें। पार्ट एफ है इसका, अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ फ्रेजेस दिए नीचे, यानी सेंटेंस तो हमारे पूरे दिए, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है, फ्रेज हमें चुनना है। हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो हमारा फ्रेज है, और फिर उसको जब हमें पता चल जाएगा तो कौन सा फ्रेज है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया, फर्स्ट देखिए, वी शैल प्ले इन द इवनिंग, हम शाम में खेलेंगे। तो अब इसमें फ्रेज कौन सा है हमारा, जिससे हमारा थोड़ा सा मीनिंग पता चले, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है इन द इवनिंग। तो ये वाला आपका क्या है, जो अंडरलाइन हमने किया है ये फ्रेज है। इसी तरीके से आपको सब में फ्रेज चूज़ करना है। सेकंड देखिए, इट इज़ रेनिंग हार्ड, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, सो ड्राइव विथ कॉशन,
इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पर हमने फ्रेज हमारा यहाँ पर क्या है, मैंने अंडरलाइन किया है विथ कॉशन, सावधानी से। थर्ड देखिए, प्लीज डू नॉट मेक नॉइज, मेहरबानी करके शोर मत करिए। तो यहाँ पर हमारा फ्रेज कौन सा है, मैंने अंडरलाइन किया है मेक नॉइज। फोर्थ देखिए, हैरी डज नॉट स्टडी इन माय स्कूल, हैरी मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता है। यहाँ पर फ्रेज क्या है हमारा, मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में। फिफ्थ है हमारा, लास्ट और फिफ्थ है, माय फादर गिफ्टेड मी अ गोल्ड नेकलेस, कि मेरे पापा ने मुझे गोल्ड नेकलेस गिफ्ट किया। तो यहाँ पर फ्रेज हमने लिया है अ गोल्ड नेकलेस, जिससे हमारा थोड़ा सा मीनिंग पता चल रहा है कि एक गोल्ड नेकलेस मेरे पापा ने गिफ्ट किया। तो ये हमारा क्या है, यह फ्रेज है जहाँ हमने अंडरलाइन किया है। तो इसी तरीके से आपको 6, 7, 8, 9, 10 इनको अपने आप फ्रेज ढूंढ करके इसमें से आपको अंडरलाइन करना है। डियर पेरेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो एलॉन्ग विद योर चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू डू देयर होमवर्क। आई होप यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।